मुंबई के मलवानी का बांग्लादेशी आरोपी निकला भाजपाई, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की थी देश में घुसपैठ। आपको बता दें, मुंबई के मालवाणी पुलिस के आतंकवादी रोधी दस्ते ने मुंबई के मालडा पश्चिम स्थित 8 नंबर अंबुजबाड़ी इलाके में रहने वाले एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसका नाम रुबेल शेख बताया जा रहा। ये कार्रवाई गृह मंत्री अनिल देशमुख के आदेश पर की गई। मालवाड़ी पुलिस द्वारा जांच के दौरान पता चला कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक भारतीय दस्तावेज बनाकर भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी मुंबई अल्पसंख्यक युवा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भाजपा सांसद गोपाल सेठी के साथ वायरल हो रही है। मालवाड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जाँच में जुट गई। मुंबई के मालवाणी पुलिस ने एक शख्स पर कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी गौ माता की तस्करी करते हुए भी दिख चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा के कुछ पदाधिकारी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट भी निकल चुके हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने और प्रगति की है, क्योंकि अभी उत्तर मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक सेल का जो जिला अध्यक्ष है, जो महत्वपूर्ण पोजिशन होती है रुबेल शेख नाम का, वो तो बांग्लादेशी निकल चुका। तो हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी का ये संघजियाद है, क्या सीएए कानून में कुछ भारतीय जनता पार्टी के विशेष कुछ अलग प्रावधान अमित शाह जी ने किए हैं? निश्चित तौर पर देशभर में एक कानून जनता के लिए होता है और भाजपा के लिए अलग कानून होता है। तो यहां हम ये सवाल पूछना जरूर चाहेंगे कि इस संघ जिहाद का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दें। मालवणी में एक बांग्लादेशी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया गया। ये व्यक्ति इलीगली भारत देश में प्रवेश किया, इनको पकड़ के उनका घर जब्ती किया तो वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और ये डॉक्यूमेंट्स की चौकसी करने के बाद ऐसा पता चला कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस आदमी के ऊपर फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी के फॉर्जरी और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के संबंधित सेक्शन लगाए गए हैं और ये कार्रवाई मालवणी पुलिस स्टेशन के एंटी टेरर सेल ने किया है।